एबीपी न्यूज पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बयान दिया है। नागरिक रजिस्टर बनाने को ऐतिहासिक काम उन्होंने कहा है। राज्यपाल मुखी ने कहा है कि सारे देश में एनआरसी लागू करना चाहिए। एबीपी न्यूज पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, जिन्होंने नागरिक रजिस्टर को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा सारे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। असम में नागरिकता रजिस्टर का प्रारूप जारी किया गया है और अब इस मुद्दे पर देश भर में बात हो रही है। अलग अलग जगहों से एनआरसी की मांग उठ रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर, और हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, एनआरसी की पूरी प्रक्रिया को? मैं समझता हूँ एनआरसी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है असम के लिए और देश के लिए भी। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ रजिस्ट्रार जनरल को, असम सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को और माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिनके अथक प्रयासों से आज ये अहम कार्य संपन्न हुआ। अभी ये एक प्रारूप है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो एक प्रदेश के अंदर ऐसी भ्रांति चल रही थी कि जिसका नाम नहीं आया ड्राफ्ट लिस्ट में वो विदेशी घोषित हो गया, उनका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज वो कोई विदेशी नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है, और जिस व्यक्ति का नाम छूट गया है उन्हें क्लेम करने का पूरा अधिकार है। उसका प्रोसीजर बताया गया है, 2 महीने पूरा समय दिया गया है और अपना वो क्लेम कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता वाली किसी के लिए बात नहीं होनी चाहिए। हर एक को पूरा अधिकार है, और आज भी भारत सरकार और असम सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि एक भी भारतीय ऐसा नहीं रहेगा जिसका इस एनआरसी के अंदर नाम ना आ जाए। उन्हें हर मौका दिया जाएगा जी। यानी आपका ये जवाब उन सवालों को एड्रेस करता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई परिवारों में एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे का नाम नहीं है। बड़ी छोटी सी बात है, जब इतना बड़ा मैंने कहा महान कार्य हुआ है, उसमें कई गलतियां रह सकती हैं, कई भूल हो सकती है, कई इस सबको रेक्टिफाई करने के लिए समय दिया गया ना। आज ये मैंने कहा ना प्रारूप है जी, बिल्कुल। क्योंकि सर जैसे कुछ मामले प्रकाश में आए और उसकी वजह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। मेरी निवेदन ये कह रहा हूँ आपसे कि ये एक ऐसा कार्य है, इतना बड़ा कार्य हुआ है और वो असम की जनता के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत हुआ है। बिल्कुल। और मैं असम वासियों से ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से, और उन्हें सुनिश्चित करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक भी भारतीय ऐसा नहीं रहेगा जिसका नाम इस लिस्ट के अंदर ना आ जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है जिससे देश की सुरक्षा के अंदर मेजर रोल रहने वाला है। मुझे ये कहना है कि जिस प्रकार से असम ने अपनी एनआरसी तैयार की है, देश के हित में ये बेहतर होगा कि हर राज्य अपने राज्य की एनआरसी तैयार कराए, ताकि देश की सरकार को और हर राज्य की सरकार को ये पूर्ण जानकारी रहे कि मेरे राज्य के अंदर या मेरे देश के अंदर कौन विदेशी रह रहे हैं।
और जो विदेशी रह रहे हैं उनको भी जानकारी हो कि हम विदेशी हैं रह रहे हैं, सिटीजन नहीं। इस निमित्त मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा कि हर राज्य सरकार NRC तैयार करे और उसका अपडेट सेंसस के साथ, हर सेंसस रिपोर्ट के पश्चात उसे अपडेट भी करें। ऐसा करने से देश की सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यानी आप बहुत अहम बात और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हर 10 साल पर NRC रजिस्टर जो है वो अपडेट होनी चाहिए और फिलहाल के लिए हर राज्य में ये प्रोसेस जो असम में हमने देखा है 3 सालों में चला है वो हर राज्य में होनी चाहिए। जी, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ जो अहम कार्य यहाँ हुआ है, ये जिसमें 4 साल लगे हैं, बाकी स्टेट्स में बड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़े एक्सपीरियंसिस यहाँ के कर्मचारियों ने लिए हैं और वो बाकी देश के लिए एक एसेट के रूप में साबित होंगे। बल्कि मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि NRC बाकी सब जगह प्रारंभ हो, यहाँ भी अभी चल रहा है, जहाँ तक संभव हो हमें आधार कार्ड के एक बेस लेना चाहिए ताकि कोई भी विदेशी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके अपने आप को रह रहे हैं और वो डिटेक्ट ना हो पाए, ऐसा संभव नहीं होगा। ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव उसमें लाया जा सकता है। और असम राज्य के अंदर जिन लोगों ने एनुमरेशन का काम किया है, जिन ऑफिसर्स ने किया है, उनका एक्सपीरियंस पूरे देश के अंदर काम आएगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। ठीक है, आप कह रहे सर पूरे देश में ये होना चाहिए, क्या कोई प्राथमिकता होनी चाहिए पहले, जैसे जो खासतौर पर बांग्लादेश की सीमा से जो सटे राज्य जैसे बिहार हो गया, त्रिपुरा, बंगाल, इनमें मांग उठ रही है? राज्य के बारे में किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक देश के लिए कॉमन बात की है, उसमें मैं आई हैव नथिंग इन माय माइंड अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कोई प्राथमिकता सूची हो सर कि दिल्ली, जैसे दिल्ली में मांग हो रही है, निवेदन किया ना आपसे, तो मैंने आपसे पहले निवेदन किया है कि मैं एक सरकार का मुखिया नहीं, स्टेट का हेड होने के नाते से अपनी स्टेट के बारे में मैंने ये बात की है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं महसूस करता हूँ कि इट विल बी ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट इन द कंट्रीज हिस्ट्री व्हेन एवरीबडी एवरी स्टेट प्रिपेयर इट्स NRC। एक आखिरी कि जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री ने सिविल वॉर तक की बात कह दी, आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आप टास्क एनी पॉलिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम मी, जी मैं कोई राजनीतिक सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आलोचकों को आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? राज्यपाल अपने प्रांत के सभी वासियों को आश्वस्त किया है कि कोई भी ऐसा एक भी भारतीय नहीं रहेगा जिसका नाम NRC में ना आए, और साथ ही मैंने ये भी कहा है, निवेदन किए अपने इस प्रांत की सभी भाइयों और बहनों को कि शांति बना करके रखें, किसी के साथ कोई यहाँ पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, उन्होंने दो अहम बातें कही हैं। पहली तो ये साफ तौर पर कही है कि ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम हुआ है NRC का पूरा ड्राफ्ट तैयार होने का, और किसी भी भारतीय को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिनका नाम छूट गया है उनके लिए पर्याप्त मौके आगे मिलेंगे रजिस्टर में नाम जुड़वाने के लिए। और उससे भी अहम बात जगदीश मुखी जी ने ये कही है कि इस तरह के NRC ड्राफ्ट को तैयार करने की, लिस्ट को तैयार करने और जारी करने की ज़रूरत पूरे देश भर में है, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद हो पाएगी। कैमरामैन अरविंद के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज़ गुवाहाटी। तो जैनेन्द्र के साथ असम के राज्यपाल जगदीश मुखी की खास बातचीत आपने सुनी, जिसमें असम के राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि NRC जो है वो देश भर में लागू करना चाहिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।